So we will start our today's class. तो मंडे को मैंने स्टार्ट किया था अबाउट दी सेलुलर कॉन्सेप्ट। तो आज हम सेलुलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम के अंदर सेलुलर सिस्टम के अंदर क्या है, एक मोबाइल टावर है, इस तरह से हम उसको शो करते हैं। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू ए मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन से कनेक्टेड है थ्रू ए वायरलेसली। दिस इज़ नोन एज दी बेस स्टेशन। दिस इज ए मोबाइल। दिस बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू अनदर सिस्टम दैट इज नोन एज MSC, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। और ये MSC इज़ कनेक्टेड टू दी वायर्ड नेटवर्क दैट इज़ नोन एज PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क तो मैं क्या करूं भाई, उसको चार्जिंग में लगा के वहां बैठ जा उस कमरे में। सो दिस इज दी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। हमारा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क एक वायर्ड कनेक्शन है जिसको जिसके साथ हमने एक MSC लगा दिया, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। उससे हमने काफ़ी सारे बेस स्टेशन कनेक्ट कर दिए। दिस ऑल दी बेस स्टेशंस विच आर कनेक्टेड टू दी MSC। और इन बेस स्टेशन से हमारे मोबाइल फोन्स कनेक्टेड हैं। ये जो बेस स्टेशंस हैं इनसे हमारे मोबाइल फोन्स आर कनेक्टेड। तो ये हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको स्लाइड के अंदर आपको दिखाया था। सेलुलर कॉन्सेप्ट, दिस वाज द सेलुलर कॉन्सेप्ट। बेस स्टेशंस आर देयर, उनका एक एरिया है जिसके अंदर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेंड करते हैं, और मोबाइल स्टेशन उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके मोबाइल स्टेशंस उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू दी मोबाइल स्विचिंग सेंटर एंड देन टू दी PSTN। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट।
ये मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, टाइप्स ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द हमारा जो लिंक है बिटवीन बेस स्टेशन और हमारे मोबाइल फ़ोन के बीच में, वो कैसे काम कर रहा है. तो अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि द लिंक बिटवीन द एमएससी एंड पीएसटीएन इज वायर्ड. ये एक वायर्ड लिंक है और ये जो लिंक है हमारे बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल, दिस वन, यही एक लिंक हमारे पास ऐसा है. इज इट विजिबल? जो मैं लिख रहा हूं ये विजिबल है ना सभी को? ओके, सो दिस इज द ओनली लिंक विच इज विजिबल, विच इज वायरलेस. यही एक हमारे सेलुलर जो सिस्टम है, हमारा हमारा मोबाइल फोन सिस्टम है, उसके अंदर जो बेस स्टेशन और मोबाइल के बीच में जो लिंक है दैट इज ओनली वायरलेस. उसके बाद जितने भी हमारा सिस्टम है दैट इज ए वायर्ड सिस्टम. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस लिंक विच इज़ बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल स्टेशन. हमारा बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में जो सिस्टम है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो अभी के लिए हमारा जो सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच दिस इज़ दी ओनली सिस्टम, हमारा ये जो सिस्टम है बैकएंड का, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. आज अभी पहले सबसे हम बात करते हैं जो हमारा वायर्ड सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो नाउ बिटवीन दी बेस स्टेशन एंड द मोबाइल, बेस स्टेशन और मोबाइल के बीच में जो हमारा लिंक है, ये वायरलेस लिंक मैंने अभी आपको बताया, ये कैसे काम कर रहा है. इसके अंदर दो हमारे चैनल हैं, वन इज फ्रॉम बेस स्टेशन टू द मोबाइल और दूसरा है हमारा फ्रॉम मोबाइल टू द बेस स्टेशन. एक तो हमारा मोबाइल से बेस स्टेशन पे लिंक है और दूसरा हमारा बेस स्टेशन से मोबाइल के ऊपर. ये दो हमारे, इनको हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज दीज आर नोन एज दी चैनल्स. इनको हम चैनल्स कहते हैं. दो हमारे चैनल्स हैं. अगर मैं स्लाइड को ओपन करूं तो यहाँ जो टाइप्स ऑफ मोबाइल रेडियो ट्रांसमिशन की बात करूँ तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. तो सिंप्लेक्स के अंदर एक ही चैनल है, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है. हाफ डुप्लेक्स जो है उसके अंदर हमारा दो डायरेक्शंस के अंदर हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है. फुल डुप्लेक्स मगर एक ही चैनल हमारे पास एक टाइम पे एक के ऊपर. फुल डुप्लेक्स के अंदर हमारे पास दो चैनल्स हैं जिसके ऊपर हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया. दिस इज़ ए फुल डुप्लेक्स. दो चैनल, एक चैनल सेंड करने के लिए और दूसरा चैनल हमारा रिसीव करने के लिए. सो
सो दीज आर द टू चैनल्स विच आर यूज बिटवीन द बेस स्टेशन और द मोबाइल. तो जब भी आपके मोबाइल के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, तो एक चैनल आपकी वॉइस आपकी वॉइस को लेके जा रहा है बेस स्टेशन पे, और दूसरा चैनल बेस स्टेशन से जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ को आपके मोबाइल पे लेके आ रहा है. सो दो चैनल हैं, वन इज़ फॉर ट्रांसमिशन एंड द अनदर चैनल विच फ्रॉम मोबाइल टू द बेस स्टेशन इज़ फॉर रिसीविंग. ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए हमने दो चैनल ले रखे हैं. हमेशा ध्यान रखना, जब भी है हम बात करेंगे अबाउट द चैनल बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल, यू ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम चैनल कह रहे हैं तो चैनल इज़ एक्चुअली देर आर टू चैनल्स, वन इज़ फॉर ट्रांसमिशन एंड वन इज़ फॉर रिसीव. दो चैनल्स हम हमेशा यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए, दो चैनल्स हैं हमारे. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो हमेशा चैनल रहेंगे. सो दीज टू चैनल्स जो हैं हमारे, तो ये दो चैनल्स जो हैं फर्स्ट चैनल इज नोन एज फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड इज फ्रॉम बेस स्टेशन टू द मोबाइल इज नोन एज फॉरवर्ड. And second one is known as reverse. Reverse is from mobile to the base station. दो तरह के हमारे चैनल हैं, forward channel and the reverse channel. Okay, so बेस स्टेशन मोबाइल के बीच में दो चैनल, एक हमारा फॉरवर्ड चैनल जो कि बेस स्टेशन से मोबाइल के ऊपर है, दिस इज़ द फॉरवर्ड चैनल, एंड फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन देयर इज़ अनदर चैनल दैट इज़ द रिवर्स चैनल. दो हमारे चैनल फॉरवर्ड एंड रिवर्स. नाउ फॉरवर्ड चैनल्स आर ऑफ टू टाइप्स, first is the voice and second one is forward. हमारे दो तरह के, एक तो voice और दूसरा हमारा control. तो वॉइस, जैसे कि नाम बता रहा है, वॉइस चैनल क्या करेगा? वॉइस चैनल हमारे वॉइस को हमारे मोबाइल तक बेस स्टेशन से लेके आएगा. कंट्रोल, जो कंट्रोल हमारे बैकएंड के अंदर जो प्रोसेस चल रही है मोबाइल और बेस स्टेशन के बीच में, वो इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्रोल चैनल के ऊपर आएगी. सिमिलरली रिवर्स भी हमारा दो तरह का है, वन इज द वॉइस एंड सेकेंड वन इज नॉन एज द सॉरी सेकेंड वन इज नॉन एज द कंट्रोल. एक वॉइस चैनल है हमारा, एक कंट्रोल चैनल. फॉरवर्ड वॉइस चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल. रिवर्स वॉइस चैनल, रिवर्स कंट्रोल चैनल. ओके, सो फॉरवर्ड के ऊपर हमारे पास दो चैनल बने, फॉरवर्ड वॉइस चैनल दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल. फॉरवर्ड वॉइस चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल.
सिमिलरली एट द रिवर्स ऑल्सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स, रिवर्स वॉइस चैनल एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल। दो हमारे चैनल रिवर्स पे बने, वॉइस को जो कैरी करता है वो वॉइस चैनल है और कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन जो लेके जाता है वो कंट्रोल चैनल है। तो हमारे पास चार चैनल हो गए हैं, एक तो फॉरवर्ड वॉइस चैनल, दूसरा हमारा फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, तीसरा है हमारा रिवर्स वॉइस चैनल एंड द फोर्थ वन इज द रिवर्स कंट्रोल चैनल। सो हमारी जो पीपीटी के ऊपर मैं दोबारा आऊँ तो यही चीज़ जिसके अंदर लिख रखी है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, चार तरह के हमारे चैनल हैं, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, रिवर्स वॉइस चैनल, रिवर्स कंट्रोल चैनल। तो चार चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया। वॉइस को जो कैरी करता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स वॉइस चैनल है और कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन जो लेके जाता है, क्या है कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताऊँगा। आज अभी के लिए तो यही है कि हमारे चार चैनल्स हैं, दो चैनल हमारे वॉइस को लेके जा रहे हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड, एंड दो चैनल्स हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, दैट आर रिवर्स कंट्रोल एंड दी फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये हमारे चार चैनल्स हैं। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चैनल्स, फॉरवर्ड वॉइस, फॉरवर्ड कंट्रोल, रिवर्स वॉइस एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल्स। 90 हमारे जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो हमारे दो चैनल मैंने आपको बताए हैं, तो दो मैंने जो चैनल बताए हैं आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो हमारे जो वॉइस हैं उसकी 95% ऑफ फॉरवर्ड चैनल्स आर वॉइस चैनल्स एंड 5% of forward channels are the control channels. 95% हमारे जो forward channel है वो voice को लेके जा रहे हैं और 5% ही हमारी controlling के लिए हमारे forward channel हम use कर रहे हैं। Similarly reverse also, voice is 95% and control is 5%. ओके, सो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस स्टेशन और मोबाइल के बीच में जो हमारा चैनल है वो एक्चुअली जो एक चैनल जिसको हम कह रहे हैं वो दो उसके अंदर चैनल्स हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और फॉरवर्ड और रिवर्स के भी दो हमारे टाइप्स हैं, फॉरवर्ड वॉइस एंड दी फॉरवर्ड कंट्रोल, सिमिलरली रिवर्स वॉइस एंड दी रिवर्स कंट्रोल। ओके, गॉट इट। So this concept I think you all understand the channels, types of channels in the base station and the mobile. ये concept मुझे मैं expect करता हूँ कि सभी students को ये concept अच्छे से समझ में आ गया है। Next is the functions of the cellular system. So what are the functions of the cellular systems? सो फंक्शंस स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट मोबाइल फ़ोन यूज्ड इन 1980s के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मोबाइल फ़ोन था वो हमारा इस तरह का था। दिस वाज डेवलप्ड बाय मोटरोला। द वेरी फर्स्ट पोर्टेबल यूनिट वाज वेरी बिग एंड हैवी, एक सूटकेस के अंदर लेके जाना पड़ता था मोबाइल फ़ोन। सोचो उस टाइम से और इस टाइम तक हमारे फ़ोन के अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं। जो चीज़ हमारी सूटकेस के अंदर जा रही थी वो हमारे फ़ोन्स आजकल काफ़ी स्मार्ट भी हो गए हैं और कॉम्पैक्ट भी हो गए हैं।
तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मोबाइल फोन विच वॉज यूज्ड इन 1983। सबसे पहला जो मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था वो हमारा मोटरोला ने लॉन्च किया था, और वो इस तरह का हमारा कुछ मोबाइल फोन था। सो नाउ आई विल डिस्कस दी सम डिटेल्स अबाउट दी सेलुलर सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेलुलर सिस्टम हमारा बना कैसे। व्हाट इज़ दी हिस्ट्री ऑफ दी सेलुलर सिस्टम, सबसे पहले मुझे आपको ये बतानी पड़ेगी। सेलुलर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1960s के अंदर, बेल लेबोरेटरीज जो थी इसने इसको डेवलप किया। सेलुलर सिस्टम जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसके अंदर हमारा मोबाइल फ़ोन है, बेस स्टेशन है, MSC है और PSTN है, बेल लेबोरेटरीज ने 1960s के अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया। बट दैट वाज यूज्ड बाय द US आर्मी फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इन आफ्टर 20 ईयर्स इन 1983 दिस सेलुलर सिस्टम वॉज कॉमर्शलाइज्ड। 1983 के अंदर इसको कॉमर्शलाइज किया गया। मीन्स कॉमर्शलाइज का मतलब कि नाउ एनी वन कैन यूज दिस सिस्टम, एंड नाउ दिस इज मेड पब्लिक। पहले वो सिर्फ आर्मी के लिए ही था, अब 1983 के अंदर हमारा जो सेलुलर सिस्टम था उसको हमने पब्लिक कर दिया, दैट एनीवन इन द वर्ल्ड कैन यूज़ दिस सिस्टम। सो 1983 के अंदर ऐसा सिस्टम हमारा बना। सो 1983 में ये लॉन्च हुआ। अभी मैंने आपको एक फ़ोन दिखाया था। सो दिस वाज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली बात है, US आर्मी के लिए बन रहा था। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन USA। सेलुलर सिस्टम सबसे पहले लॉन्च किया गया USA के अंदर, और सबसे पहला जो हमारा सेलुलर सिस्टम था उसका जो नाम था दैट वाज AMPS, फुल फॉर्म इज एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम। AMPS USA के अंदर जो लॉन्च हुआ, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है AMPS, एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम था, सबसे पहला मोबाइल सिस्टम जो सेलुलर सिस्टम था जो लॉन्च किया गया, सेलुलर सिस्टम सबसे पहले दैट वाज दी AMPS, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। 1983 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया। हमारी जो प्रायोरिटी थी इसके अंदर वो थी वॉइस ट्रांसमिशन। वॉइस ट्रांसमिशन हम इसके अंदर हमारी प्रायोरिटी थी कि वायरलेसली, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि वायरलेसली हम अपनी वॉइस को ट्रांसमिट कर सकें, हम
कहीं विद व्हेन वी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वी कैन टॉक ऑन दी मोबाइल। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए भी फ़ोन पे बात कर सकें। पहले हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारे पास जो फ़ोन्स थे दैट वर लिमिटेड इन टू ए आइदर इन ए ऑफिस और इन योर होम्स, आपके घरों में या आपके ऑफिस के अंदर ही आप फ़ोन के अंदर बात कर सकते थे। आप रोड पे चलते हुए, गाड़ी में जाते हुए, बाइक पे जाते हुए फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। सो हमारी जो प्रायोरिटी थी इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले थी वॉइस को ट्रांसमिट करना वायरलेसली। सो फॉर दैट मैं कुछ टेक्निक लिख रहा हूँ FDMA। FDMA इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये टेक्निक है जो हमने सेलुलर सिस्टम जो हमारा पहला था उसके अंदर यूज़ किया गया की गई FDMA। क्या है अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं FDMA को डिटेल में बताऊँगा, मगर अभी के लिए सबसे पहला सिस्टम था वो हमारा FDMA टेक्निक को यूज़ कर रहा था। दिस AMPS एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम यूजेज ए टेक्निक फॉर वॉइस ट्रांसमिशन दैट इज़ द FDMA। FDMA टेक्निक की मदद से हमने सबसे पहला ट्रांसमिशन स्टार्ट किया। दिस सिस्टम वाज एनालॉग सिस्टम, एनालॉग हमारा सिस्टम था, वॉइस को ही हम ट्रांसमिट कर रहे थे। एंड दिस वाज यूज्ड फ्रॉम 1983 टू 1990s। 1983 से 1990s तक इसको यूज़ किया गया। 1983 के अंदर जब इसको यूज़ किया देयर वर वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स। स्टार्टिंग में जब इसको लॉन्च किया गया हमारे सिस्टम को तो हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम थे। जैसे जैसे लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता चला सो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे जैसे इस सिस्टम के बारे में पता चला तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। सो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई थी अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स। ओके इसके अंदर नहीं है। सो नंबर ऑफ यूजर्स इन 1980s वर ओनली 25,000 नंबर ऑफ यूजर्स थे। उसके बाद नंबर ऑफ यूज़र्स इंक्रीज होने स्टार्ट हुए 1990s के अंदर। हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हमारा जो पहला सिस्टम था एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर हम इसी को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ए एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। हमारा सबसे पहला जो सेलुलर सिस्टम था वो था एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। क्या था, कैसे काम कर रहा था, इसी को हमें नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ अबाउट दिस सिस्टम। ये कैसे डेवलप हुआ, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लगाई और ये कैसे काम कर रहा था, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। दिस वाज डेवलप्ड इन 1983 इन USA। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। दिस वाज यूज्ड only between 1983 to 1990s। okay, so उसके बाद हमने इस सिस्टम को बंद कर दिया, AMPS को हमने यूज़ नहीं किया। एंड दिस होल सिस्टम द फर्स्ट सेलुलर सिस्टम इज नोन एज This is known as the first generation. This is known as the first generation of mobiles. सबसे पहली जो generation थी mobiles की वो थी AMPS, Advanced Mobile Phone System। 1990
के अंदर इसको हमने बंद कर दिया, एंड देन केम दी सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल्स। उसके बाद जो आई दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल्स। सेकेंड जनरेशन हमारी आई 1991 से लेके हमने इसको यूज़ किया 2000 तक। इससे बिल्कुल अलग, अगर आपने नाम सुना है GSM, जैसे AMPS था, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल्स दैट वाज फ्रॉम 1991 टू 2000, उसके अंदर जो मोबाइल का जो सिस्टम था उसका नाम रखा गया सेकेंड जनरेशन के अंदर GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। AMPS, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, मैंने बताया USA के अंदर लॉन्च किया गया, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल्स वाज ओनली यूज्ड इन USA। USA के अंदर लॉन्च किया गया तो सबसे पहले USA के अंदर ही लोगों ने इसको यूज़ किया, और उसके बाद पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को पता चला कि इस तरह का कोई सिस्टम आ गया है जिसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो दूसरी कंट्रीज़ ने भी ऐसा सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट किया, और उसके बाद पूरा वर्ल्ड मोबाइल कॉन्सेप्ट या वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, सेलुलर सिस्टम के अंदर घुस गया, और उन्होंने अपने अपने सिस्टम बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल GSM मैंने अभी आपको बताया, दिस वाज यूज्ड इन यूरोप, यूरोप एंड एशिया। इसके अंदर GSM सेकेंड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया, GSM यूरोप एंड एशिया के अंदर। आपका जो है USA ने अपना सिस्टम बनाया जिसका नाम उसने रखा IS-136। दिस वाज यूज्ड इन USA। द फुल फॉर्म वाज इंटीरियम स्टैंडर्ड 136। दिस वाज यूज्ड बाय USA। सो GSM वॉज यूज्ड इन यूरोप एंड एशिया। हमारे इंडिया के अंदर हमने जो सिस्टम यूज़ किया वो GSM यूज़ किया। आपके जो फ़ोन्स को आज भी हम कहते हैं कि ये कौन सा फ़ोन है, ये GSM फ़ोन है। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। यूरोप और एशिया के अंदर ये सेलुलर सिस्टम हमने यूज़ किया। USA के अंदर जो सिस्टम उन्होंने यूज़ किया वो IS-136 था। This another system was used by Korean and Japanese countries. PDC, full form was Pacific Digital Cellular. This was used by Korean and Japanese. एक और हमारा यूज हुआ, that was IS-95 Interim Standard 95। इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज CDMA। अगर आप लोगों ने सुना हो, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसका दूसरा नाम है IS-95 का। ओके, सो दीज वर द सिस्टम्स विच वर यूज्ड। फोर सिस्टम्स हमारे मैंने आपको बता दिए जो हम यूज कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर,
और मैंने आपको एक ही सिस्टम बताया, AMPS, जो हमने यूज़ किया फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो फर्स्ट जनरेशन के जो फोन्स थे उसको हम कहते हैं 1G, सेकेंड जनरेशन के फोन्स को हम कहते हैं 2G, जो कि हमारी, मैंने अभी आपको बताई, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी मैं डिटेल के अंदर पढ़ूंगा, हमारा सिलेबस के अंदर भी आपको दिखाऊंगा, हमारा काफ़ी डिटेल के अंदर है फर्स्ट जनरेशन भी और सेकेंड जनरेशन भी। सो सेकेंड जनरेशन वाज फ्रॉम 1991 टू 2000 तक हमारी सेकेंड जनरेशन थी, जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स हमने यूज़ किए जो मैंने आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गया जी। फर्स्ट जनरेशन वाज एक्चुअली फ्रॉम 1980s टू 1990s। नाइनटीन नाइन्टी वन से लेके हमारी 2000 तक हमने सेकेंड जनरेशन को यूज़ किया। 2001 से लेके 2010 तक हमने यूज़ किया थर्ड जनरेशन को। 3G फोन्स, 3G टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की 2001 से 2010 तक। हाँ, क्या 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 क्या, हाँ, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, मेरी स्लाइड्स के अंदर आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डिटेल के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, AMPS, DAMPS सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो था हमारा, दैट वाज फ्रॉम 2001 टू 2010 तक जो हमने यूज़ किया। एंड देन टेन केम दी फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स, अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं 2011 टू 2020। अभी हम जिस जनरेशन के अंदर है मोबाइल फोन्स के, दैट इज़ दी फोर जी। हमारे जो फोन्स हैं, हम कहते हैं कौन सा फ़ोन है, 4G फोन है जी हमारा। तो 4G इज़ ए जनरेशन ऑफ मोबाइल। हम ये कहते हैं कि 10 साल के अंदर जनरेशन चेंज हो जाती है। 10 साल में जनरेशन, आप किसी भी टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो जाती है, हमारे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। फॉर ये हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप टीवीज़ को देखें, आपकी जो टेलीविज़न है, 10 साल पहले हम LCD यूज़ करते थे या फिर CRT टीवी यूज़ करते थे, और आज के दिन हम यूज़ कर रहे हैं LED, OLED टीवीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो स्क्रीन्स हैं वो 10 साल पहले जो थी, आज के टाइम पे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हम स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं। गाड़ियों की बात करूँ मैं, कार्स या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 10 साल पहले जो गाड़ियाँ आती थी, आज के ज़माने में उनसे काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी की कार्स आ रही हैं। सिस्टम हमारे डिजिटल हो गए हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कार्स के अंदर अजीब तरह के आने लग गए हैं, पहले सब कुछ मैनुअल था। तो हम ये कहते हैं कि 10 साल के अंदर जनरेशन चेंज हो जाती है। जनरेशन चेंज होने का मतलब है, 10 साल पहले हमारी जनरेशन के अंदर, हम जब आपकी तरह कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे प्रायोरिटीज़ कुछ अलग थी। हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे आपके पास फ़ोन्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ओके, अब आपकी जनरेशन, आप 10 साल बाद, पहले की बात मैं तो 20 साल पहले की बता रहा हूँ, आपके टाइम पे तो सब कुछ चेंज हो चुका है। जनरेशन चेंजेस, 10 आपके आने के, जो आपसे पहले पिछले आगे आएंगे अब 10 साल के बाद, उसके बाद बिल्कुल ही और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगी। वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन मोड की बजाय हम वर्चुअली क्लासेस लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लासेस। गूगल ग्लासेस आ रहे हैं और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल के अंदर अंदर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हमारी किसी भी प्रोडक्ट की जनरेशन चेंज हो जाती है। ये कहते हैं 10 साल पुराना हो गया तो वो ऑब्सोल्यूट हो गया। वही हमारा एग्जाम्पल हमारे फ़ोन्स के लिए भी है। हमारे जो फ़ोन्स 2010 के अंदर तक हम जो यूज़ कर रहे थे, शायद आज के टाइम पे किसी के पास 2010 का कोई फ़ोन नहीं मिलेगा।
राइट. सो बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस. सो फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1980s टू 1990s, सेकेंड जनरेशन वाज 1991 टू 2000, थर्ड जनरेशन वाज यूज्ड फ्रॉम 2001 टू 2010 एंड फोर्थ जनरेशन 2011 से 2020 तक. ये मत सोचो कि ये जनरेशन पूरे वर्ल्ड के लिए है. ये जनरेशन डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ है. स्टिल देयर आर मैनी कंट्रीज, यू विल फाइंड ऑन गूगल, अगर आप गूगल करोगे सेकेंड जनरेशन के फ़ोन्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आपको आज भी ऐसी कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड के अंदर हैं. अराउंड 50% आपको वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्रीज़ मिल जाएंगी जो कि अंडर डेवलपमेंट है एंड दे आर स्टिल यूजिंग दी सेकेंड जनरेशन. वो आज भी सेकेंड जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, मगर सेकेंड जनरेशन के फ़ोन्स हमारे आज भी यूज़ हो रहे हैं. थर्ड जनरेशन के तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं तो थर्ड जनरेशन के फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं. इंडिया, इवन इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर 3G टेक्नोलॉजी को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं. तो यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एरिया इज स्टिल यूजिंग द थर्ड जनरेशन. सो फोर्थ जनरेशन विच इज़ द एरा फ्रॉम 2011 टू 2020. हाँ, इंडिया की ये खासियत ये रही है कि इंडिया ने मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर या वायरलेस कम्युनिकेशन या सेलुलर सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, डेवलपमेंट की है. हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इस फील्ड के अंदर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द डेटा कनेक्शन और डेटा प्लान्स विच आर इन इंडिया आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर हमारा जो डेटा प्लान्स है हमारे फ़ोन्स के, चाहे वोडाफोन है, जियो है, आइडिया है, एयरटेल है, उनके जो प्लान्स हैं पूरे वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो प्लान्स हैं आज भी सबसे सस्ते माने जाते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दी मोबाइल टेक्नोलॉजी और मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ हेडिंग टुवर्ड्स दी 5G टेक्नोलॉजी. कुछ ही लिमिटेड ही कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड के अंदर ऐसी हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और उनमें से जो कंट्री है इंडिया उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिकॉज इसका एक ही रीज़न है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स, हमारे PhD स्कॉलर्स आर वर्किंग ऑन दिस टेक्निक. हमारे जो रिसर्चर्स हैं इस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं. इवन मैं भी इसी टेक्निक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं PhD के, वो 5G के ऊपर काम कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन दिस टेक्निक. सो हमारा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर. सो दैट इज़ वाई नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस टेक्निक और वेरी सून द ट्रायल्स आर गोइंग ऑन चंडीगढ़ आल्सो. मैं चंडीगढ़ गया था लॉकडाउन से पहले, तो 5G के ट्रायल्स अभी वहाँ चल रहे हैं. एरिक्सन नाम की कंपनी है जो ट्रायल्स कर रही है. सो आई टुक अ पार्ट इन दैट. सो वेरी सून इन 2021 वी विल लॉन्च द सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स. बट आई विल से यू वन थिंग दैट हम बात तो कर रहे हैं 5G की, बट हमारा जो सिलेबस है वायरलेस कम्युनिकेशन का वो लिमिटेड है अप टू फर्स्ट जनरेशन एंड दी सेकेंड जनरेशन. हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर, मैंने इसलिए इसके अंदर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ बात करी फर्स्ट जनरेशन की और सेकेंड जनरेशन की. तो हमारा जो सिलेबस है वो लिमिटेड है फर्स्ट जनरेशन तक और सेकेंड जनरेशन तक. तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इतनी ही बात करेंगे, ओनली अबाउट फर्स्ट जनरेशन एंड दी सेकेंड जनरेशन. इसका एक रीज़न है, अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूँ सीधा 3G 4G 5G टेक्निक्स की, तो अगर आपको बेसिक्स ही नहीं बताओगे कि सेलुलर सिस्टम क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन या एक सेलुलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो आप शायद कुछ बता नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. हमारा सेलुलर सिस्टम की बेसिक्स पहले हमें समझने पड़ेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो हमारा मेनली जो सिलेबस है दैट कवर्स दी फर्स्ट जनरेशन एंड दी सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन.
आगे के आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूँगा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर। थोड़ा बहुत मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट दी थर्ड जनरेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा आपको थर्ड जनरेशन के बारे में कि वो कैसे काम कर रही है। हाँ, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, सो आई विल नॉट डिस्कस दीज टू जनरेशन। ओके, चलिए, तो आज के लिए